हजारीबाग वन विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई, 28 टन अवैध कोयला किया गया बरामद। हजारीबाग कोयले का खदान वहाँ मौजूद है और ऐसे में कई चीज़ें तब सामने आती है जब अवैध तरीके से कोयले को ले जाया जा रहा हो, और 28 टन अवैध कोयले की बरामदी हजारीबाग वन विभाग की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। विश्वास सूत्र से प्राप्त हुआ कि किरेदारी थाना के पताल पंचायत में कोयले एक जंगल है, पीएफ है, अधिसूचित वन है, उसमें कोयला अवैध खनन करके उसी पीएफ में कोयला अवैध खनन करके एकत्रित किया हुआ है और अपराधियों द्वारा उसको परिवहन करके ले जाने की सूचना थी। तो हम लोग के द्वारा जैसे ही सूचना मिला, वन क्षेत्र के वनकर्मी एवं बड़का गांव के वन क्षेत्र के वनकर्मी के साथ संयुक्त कार्रवाई की गई और वो जेसीबी से लोड करके अवैध कोयला जो भंडारित किया गया था उसको जब्त कर लाया गया, जो लगभग मैंने 28 टन से 30 टन के करीब हो गया। क्या किसी पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई? प्राथमिकी दर्ज करने के लिए वनरक्षी को वो निर्देशित किया गया है कि नाम पता लगा करके उस पर बाय नेम प्राथमिकी दर्ज किया जाए। जहाँ से लाया गया सर, क्या कोयला खदान पर डोजरिंग की गई है? डोजरिंग की प्रक्रिया चूँकि वह संवेदनशील पीएफ है तो एक दो दिन में हम लोग जो है अन्य सशस्त्र बलों के साथ आ करके डोजरिंग की कार्रवाई करेंगे। आप हैं सर? मैं AK परमार, सहायक वन संरक्षक, पश्चिमी प्रमंडल, हजारीबाग।